टोडा भीम से। सालों बाद प्रकृति किसानों पर मेहरबान हुई है, किट और प्रकोप से भी फसल को राहत मिली है। बंपर पैदावार के आसार देखकर अन्नदाता भी चहकने लगा है। इस बार वास्तव में धरती से अन्नदाता को उसकी मेहनत का वास्तविक फल मिलने जा रहा है। खेतों में सोने सी दमक रही बेदाग फसल को देखकर किसानों के चेहरों पर सुकून है। अब की बार किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। सरसों जब पकने की ओर थी, तभी बीच में एक बार हल्की बारिश हो गई, जिससे चैंपा साफ हो गया और फली का दाना भी पानी पीकर मोटा हो गया। कुछ एक क्षेत्र में अधिक सर्दी पड़ने पर नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक फसल सुरक्षित बची हुई है। ऐसा लग रहा है मानो अब की बार किसान के घर में दिवाली आने वाली है। अब की बार हमारे क्षेत्र में सरसों की बहुत अच्छी फसल है और टोडा भीम उपखंड में सरसों की फसल की बुवाई का रकबा भी पिछले वर्षों से अधिक है। जानकारों की माने तो 70% जमीन में सरसों की बुवाई हुई है। यही प्रकृति मेहरबान रही, सरसों का उत्पादन अच्छा रहा तो किसानों को भी अच्छे दाम मिल जाएंगे। इस समय के अनुसार सरसों का विक्रय भाव रहा तो निश्चित ही दिन रात मेहनत करने वाले किसान को मेहनत का प्रतिफल मिल जाएगा, और यदि विक्रय भाव डाउन जाता है तो किसान की पूरी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पाएगा। वैसे इस समय किसान के चेहरों पर मुस्कुराहट तो है, लेकिन सर्दी अधिक होने की वजह से किसानों को सरसों की फसल में पाला गिरने की भी आशंका सता रही है। आपको अवगत करा दें कि प्रगतिशील किसान शिवदयाल मीणा पूर्व में करौली जिले के जिला प्रमुख भी रह चुके हैं।